आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस क्वेस्ट 1 के आंसर्स के बारे में। क्वेस्ट के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्वेस्ट के जो भी आंसर सेलेक्ट आउट कर रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेस्ट को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सबके आंसर आपको बताती हूँ। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के फौरन कॉल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो। ये कम्प्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर इनके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि ये 14 नवंबर 2022 का क्विज है। तो जब भी आप कोई क्विज की वीडियो देखे एक्सरसाइज की, तो मेक श्योर कीजिए कि वो आप ही के बैच से रिलेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैश आर फीचर ऑफ द वर्डप्रेस? यूजर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, थीम सिस्टम। यूजर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट एंड थीम सिस्टम। तो तीनों चीजें हम यूजर मैनेजमेंट पे भी वर्क करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट पे भी वर्क करते हैं और थीम सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी वर्क करते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। अगर इन तीनों ऑप्शंस में से सिर्फ आपके पास कोई एक ऑप्शन अवेलेबल हो और बाकी के ऑप्शन डिफरेंट हो, तो उस केस के अंदर आप यूजर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्डप्रेस वाज इनिशियली रिलीज इन 2001, 2002, 2003 एंड 2004। आपके पास करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये आपके वीक 1 से रिलेटेड, आपकी जो वीक 1 की 7th वीडियो है उसके अंदर इससे रिलेटेड आंसर आपको बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2003। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास, वर्डप्रेस इज यूज्ड फॉर चेंजिंग डिजाइन ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट टू ऐड फंक्शनैलिटी बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हाउ कैन वी एड न्यू यूजर इनटू द वेबसाइट? फ्रॉम यूजर ऑप्शन इनटू द लेफ्ट साइड बार, फ्रॉम द पेजेस ऑप्शन, फ्रॉम पोस्ट ऑप्शन और फ्रॉम सेटिंग ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम यूजर ऑप्शन इन द लेफ्ट साइड बार। आगे के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलम की DSTP 2.0 बैच 03 को ज्वाइन आउट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर करो कि आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। मैं एक्सरसाइज एंड क्विज़ेस से रिलेटेड और भी हेल्प आपको यहाँ पे प्रोवाइड आउट करती हूँ। साथ ही साथ आपको बताती चलूंगी, मेरा फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है। मैं किसी भी तरीके का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ओन नहीं करती और मेरे नाम पर बनाए गए सारे व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फेक है। तो इस तरीके के ग्रुप से आप जो है वो खुद को रिमूव आउट कर लो अगर आप किसी भी इस तरीके के ग्रुप में एड आउट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेट द टाइम जोन ऑफ द वेबसाइट टू US टाइम जोन? अंडर सेटिंग जर्नल, अंडर अपीरियंस राइटिंग टाइम जोन, अंडर प्लग इन सेट टाइम और टाइम इज यूनिवर्सल फॉर ऑल। वैसे हम जो टाइम चेंज करते हैं एज अ वेबसाइट ओनर, तो हम अपनी जर्नल कैटेगरी से जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास जर्नल का ऑप्शन नहीं होता तो आप जो है यहाँ पर किसी प्लगइन के थ्रू जो है इसको चेंज आउट कर सकते हो, बट नॉर्मली हम जर्नल के ऑप्शन से इसको चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट? इसमें कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट होती है पेज, पोस्ट, कॉमेंट्स और कस्टम पेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पोस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, Which of the following statement is true? Editor can access WordPress dashboard, admin can access WordPress dashboard, dashboard is the first screen we see after login and all of the given. तो all of the given is का correct answer है। अगर आपके पास भी question आता है और इनमें से कोई options आता है और बाकी option different है, तो आप जो है इन options को select out कर सकते हो। Editor WordPress का dashboard access कर सकता है, admin WordPress का dashboard access कर सकता है और साथ ही साथ dashboard पहली screen होती है login के बाद हमारे पास देखने के लिए। तो आप आसानी से इन ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क द सर्च इंजन विजिबिलिटी परफॉर्म इन वर्डप्रेस? रिमूव साइट विजिबिलिटी ऑन गूगल, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट, नन ऑफ दीज, एड कंटेंट टू पोस्ट ऑटोमेटिकली। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये बता रहा है व्हाट टास्क द सर्च इंजन विजिबिलिटी परफॉर्म वर्डप्रेस। जो हमारे सर्च इंजन होते हैं उनकी जो विजिबिलिटी होती है वो
क्या टास्क प्रोवाइड आउट करती है। बेसिकली वो गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट को रैंक करती है, बट ऑप्शन में थे कि क्या वो आपकी साइट को रिमूव कर देती है, सर्च इंजन को डिस्करेज करती है कि वो इंडेक्स करे, और साथ ही साथ यहाँ पर ये ऑप्शन था कि क्या वो पोस्ट कर देती है ऑटोमेटिकली। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू चेंज साइट टैग लाइन टू एन एंटरप्रेन्योर, हाउ वुड यू डू दैट? ओपिनियंस वेजर साइट आइडेंटिटी, सेटिंग जर्नल्स, यूज प्लग इन साइट आइडेंटिटी, ओपिनियंस एडिट कोड। आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, आप यहाँ पे आसान और सीधा सीधा सा काम कर सकते हो कि आप जो है यहाँ पर वेजिट में जाके साइट आइडेंटिटी को चेंज कर लो, आप थीम में जाके ऑप्शंस मिलते हैं हमें साइट आइडेंटिटी के लिए उसको जो है वो चेंज कर लो, साथ ही साथ आप अपीयरेंस में जाके कोड को एडिट कर सकते हो। अपीयरेंस एडिट कोड का मतलब होता है कि हम थीम का कोड एडिट करें, तो वो आसान होता है कि आप थीम में जाके कोड को एडिट कर लो, और अदरवाइज थीम के अंदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं अपीयरेंस में, तो आप वहां से भी इसको सिलेक्ट आउट कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमेंट स्पैम प्रिवेंशन प्लगइन दैट कम डिफॉल्ट विद वर्डप्रेस? एक्सिमेट, इंटेंस डेटाबेस, डेबेट, जैकपैक, डिस्क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपने जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होता है एक्सिमेट, क्योंकि ये और एक हॉली डॉली के नाम से हमारे पास एक प्लगइन होता है, वो बाय डिफॉल्ट ही हमारी वर्डप्रेस साइट के अंदर जो है वो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कर दिया जाता है, ताकि हम अपनी साइट को स्पैम से बचा सकें। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार मेरे चैनल पर आया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को और पे प्रेस करना मत भूलो। मैं डिजिटल से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस एंड क्विजेस के सोल्यूशंस प्रोवाइड आउट करती हूं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ के सोल्यूशंस अपलोड है क्विजेस के, तो अगर आपका इनमें से कोई भी कोर्स है तो उसको जरूर चेकआउट करो, और इसके अलावा अगर कोई और कोर्स है तो उसके सोल्यूशंस भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करने वाली हूँ, तो मेक श्योर करो कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। वर्डप्रेस की पिछले बैचेस की एक्सरसाइज एंड क्विजेस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल का लास्ट में विजिट करो और उन एक्सरसाइज एंड क्विजेस को भी लास्ट में देखो और अपनी नॉलेज में इजाफा करो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।